जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पाइपलाइन यहाँ पे बिछाई जा रही है। तो आज यहाँ एक समय यहाँ पर एक पक्का सीसी रोड था, लोग लगातार यहाँ पर परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह पहले जो सड़कें थी इनको मजबूत किया जाए। लोग लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको नजदीक से भी दिखाएंगे और यहाँ का नजारा क्या कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है। जो कृषि वाहन यहाँ पे निकाले जा रहे हैं वो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं होती देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर इसी सड़क से स्कूली बच्चे भी निकलते हुए देखे जाते हैं, इसी सड़क से किसान भी निकलते हुए देखे जाते हैं और इसी सड़क से महिलाएं भी जो निकलते हुए यहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ पर परेशान, हम आपको थोड़े आगे से भी नजारा दिखाएंगे और आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अरे, और यह हालात केवल इसी गाँव में नहीं, कई गाँव में देखने को मिल रही है। लोग लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़कों को मजबूत किया जाए। आगे का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग से आते हैं स्कूल के लिए, बच्चे आते हैं वो भी यहाँ पानी में गिर जाते हैं तो उनको चोट मोट आ जाती है। और अभी भी कनेक्शन भी नहीं हुए हैं गांव में, ना कनेक्शन करती है। आती है केवल एक दो थोड़ा बहुत आए, अपन ने सुबह शिकायत की तो आए, अपने पास कर अपने चले गए। अभी भी एक भी नल फिट नहीं हुआ है कि एक भी नल फिट हुआ। एक साथ नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं आज जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत गांव दिगबार में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे कि इस समय हम यहां पे दिगबार गांव के एक मोहल्ले में हम यहां पे खड़े हुए हैं। और आप यहां पे जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, पाइप लाइन यहाँ पे बिछाई जा रही है। तो आज यहाँ पर काफी लंबा समय बीत जाने के बाद एक समय यहाँ पर एक पक्का सीसी रोड था और कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीनों सालों पहले यहाँ पर यह सड़क को खोद दिया गया है। कारण यह है कि यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जानी थी और घर घर जल पहुंचाने का काम किया जाना था। लेकिन आज यहाँ पे कई महीनों बीत गए, लेकिन आज और यहाँ तक कि साल भी यहाँ पे गुजर जाने वाली है। और अगर हम हालात की बात कहें तो आज हालात आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। पास आ जाइए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ा नाला, एक पहले ये जो बड़ी सीसी रोड यहाँ पे होया करती थी, आज ये एक बड़ा नाला की जैसा यहाँ पर बनकर रह चुका है। और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और लोग लगातार यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी कई बार संबंधित विभाग के अधिकारी को भी सूचना दी है, लेकिन अगर हम हालात की बात कहें तो आज कोई सुधार यहाँ पर नहीं देखा जाता है। लोग लगातार यहाँ पर परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह पहले जो सड़कें थी इनको मजबूत किया जाए। लोग लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको नजदीक से भी दिखाएंगे और यहाँ का नजारा क्या कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है। जो कृषि वाहन यहाँ पर निकाले जा रहे हैं वो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं होती देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर इसी सड़क से स्कूली बच्चे भी निकलते हुए देखे जाते हैं, इसी सड़क से किसान भी निकलते हुए देखे जाते हैं और इसी सड़क से महिलाएं भी जो मंदिर में जाती हैं वो भी निकलते हुए यहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ पे परेशान, हम आपको थोड़े आगे से भी नजारा दिखाएंगे और आप वहां पे भी देख सकते हैं कि ऐसे ही हालात यहाँ पर बनी हुई है। महीनों गुजर जाने के बाद भी हालात में कोई सुधार होते हुए नहीं देखा जा रहा है। जो संबंधित विभाग है, जो जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर चुप्पी साधे हुए देखे जा रहे हैं। और यह हालात केवल इसी गांव में नहीं, कई गांव में देखने को मिल रही है। लोग लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़कों को मजबूत किया जाए। आगे का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह यहाँ पे परेशान, थोड़े लोगों से भी हम जानेंगे क्या कुछ इनको समस्याएं होते हुए देखी जा रही है। भैया सामने देखिए, क्या समस्या गांव में हो रही है सड़कों को लेके, क्यों ये खोदी गई है, कब से ये खुदी पड़ी हुई, बताएं। एक साल से ऐसी पड़ी हुई है। अच्छा, क्या क्या समस्या हो रही है ऐसी सड़क? आदम जो बाइक से आते हैं स्कूल के लिए, बच्चे आते हैं वो भी यहाँ पानी में गिर जाते हैं तो उनको चोट मोट आ जाती है। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे खुद ये युवा साथी किस तरह गांव में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है, घर घर जल पहुंचाने का भी काम कर रही है।
सड़कों को भी मजबूत बनाने का काम कर रही है, लेकिन बीच के बिचौलियों के कारण सरकार का प्रयास बीच में ही फेल होता हुआ वहां पे देखा जा रहा है। सड़क किस तरह यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, आप खुद यहाँ का नजारा देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे बैठे, महिलाएं भी, और आप सड़क का हालात खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और वहां का क्या कुछ नजारा देखा जाता है, लोग किस तरह यहाँ पे परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप थोड़े और लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे समस्या, भैया क्या समस्या हो रही है बताएं। प्रधान जी, प्रधान जी, जी भाई, कब से सड़क कैसी बनी? कम से कम एक साल से ज्यादा हो चुका है, और अभी भी कनेक्शन भी नहीं हुए हैं गांव में, ना कनेक्शन करते हैं, आते हैं केवल एक जो थोड़ा बहुत आए, अगर इधर अपन ने शिकायत भी हुआ है, अपने फॉर्मेलिटी करके अपने चले गए। अभी भी एक भी नल फिट नहीं हुआ है कि एक भी नल फिट हुआ है। एक साल से अधिक का समय यहां पे बताया जा रहा है, और जबकि संबंधित विभाग अधिकारी को, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी, उनको सूचना देने के बाद कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर केवल खाना पूर्ति होती हुई यहाँ पे देखी जा रही। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे, और वहां का क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे।